दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है MSBT वाला। दोस्तों हमने हाल ही में पिछले तीन वीडियो में हमने अप्रोक्स 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। अभी सातवां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत लेंदी भी है, इसीलिए बहुत अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये विंटर 22 में 6 मार्क्स के लिए पूछा गया था और बहुत बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें तीन चार बातें सीखने के लिए मिलेगी, इस क्वेश्चन में तीन चार नई बातें सीखने के लिए मिलेगी। ध्यान देना दोस्तों, रीड करते हैं क्वेश्चन को। अ रेक्टेंगुलर बीम 230 mm वाइड, ठीक है, वाइड 230 mm वाइड। आपको पता रहना चाहिए वाइड और विड्थ में कोई डिफरेंस नहीं होता है। वाइड और विड्थ कोई डिफरेंस नहीं होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। वाइड और विड्थ में कोई डिफरेंस नहीं होता है, तो इसीलिए मैंने लिख लिया विड्थ ऑफ बीम ब्रैकेट में भी 230 mm। देखिए 550 mm डीप दिया गया है। 550 mm क्या दिया गया है? डीप दिया गया है। 550 mm डीप दिया गया है। इसके बाद इफेक्टिव नहीं लिखा है ना, इसके बाद इफेक्टिव नहीं लिखा है, इसीलिए ये ओवरऑल डेप्थ हो जाएगा। इसीलिए ये कौन सा डेप्थ हो जाएगा? ओवरऑल डेप्थ हो जाएगा। और इसको अपन कैपिटल डी से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल डी से डिनोट करेंगे। और वैल्यू कितनी है? 550 mm। उसके बाद इफेक्टिव कवर दिया है दोस्तों। क्या दिया गया है? इफेक्टिव कवर दिया गया है। कितना दिया गया है? 50 mm। इफेक्टिव कवर दिया गया है 50 mm। इफेक्टिव कवर को किससे डिनोट कर देंगे? डी डैश से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे दोस्तों? डी डैश से डिनोट करेंगे। तो डी डैश से डिनोट करेंगे और वैल्यू है 50 mm। देखो ये दोनों की हेल्प से इफेक्टिव डेप्थ को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये चीज सीखना है इस क्वेश्चन में। ओवरऑल डेप्थ और इफेक्टिव कवर की मदद से हमें इफेक्टिव डेप्थ निकालना है। ये कैसे निकाले हैं हम आगे बताएंगे। सबसे पहले हम पूरे गिवन डाटा को लिख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कैलकुलेट सेंट्रल पॉइंट लोड। तो हम लिख लेंगे कैलकुलेट सेंट्रल पॉइंट लोड ब्रैकेट में डब्ल्यू यू निकालना है। सेंट्रल पॉइंट लोड और ब्रैकेट में WU निकालना है, इसीलिए क्या लगा दिए? क्वेश्चन मार्क। निकालना है इसीलिए क्या लगा लिए? क्वेश्चन मार्क। इसके पहले सर 5 मीटर भी दिया था, 5 मीटर भी दिया है, इट मींस लेंथ ऑफ बीम हो जाएगा। 5 मीटर क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ बीम। मैंने शायद रीड करना भूल गया होगा बट मैं अभी बता देता हूं, ये 5 मीटर क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ बीम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रेनफोर्स बाय 4 बार ऑफ 20 mm डायमीटर। क्या बोला गया दोस्तों? 4 बार दिया गया 20 mm डायमीटर के, 4 बार दिया गया 20 mm डायमीटर के। इसकी हेल्प से एरिया ऑफ स्टील निकालना आता है क्या आपको? इसकी हेल्प से एरिया ऑफ स्टील निकालना आता है क्या? कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ बार इनटू एरिया ऑफ वन बार, नंबर ऑफ बार इनटू एरिया ऑफ वन बार। डी कितना? नंबर ऑफ बार कितने हैं फोर। एरिया का फॉर्मूला पता है क्या? पाई बाय 4 डी स्क्वायर। डायमीटर कितना दिया गया है? 20 mm। डायमीटर कितना दिया है? 20 mm। तो 4 × 4 पाई बाय 4 × 20 का स्क्वायर। यही तो हमने यहां लिखे थे दोस्तों, यही तो हमने यहां लिखे थे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1256.63 mm स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत
पक्का नंबर ऑफ बार को इंटू करेंगे किससे, एरिया ऑफ वन बार से। नंबर ऑफ बार कितने हैं, 4, नंबर ऑफ बार 4 है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर। डायमीटर कितना दिया है, 20 mm। डायमीटर कितना दिया है, 20 mm। अरे यही तो लिखे देना है यहाँ पे, यही तो लिखे देना, और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 126.63 mm². उसके बाद M20 दिया है, इट मींस एफसीके की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। ठीक है, Fe415 दिया गया है, क्या दिया गया है, Fe415 दिया गया है, तो Fy की वैल्यू क्या हो जाएगी, 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। दोस्तों यहां तक के आपको समझ आया क्या, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है दोस्तों, और समझने लायक क्वेश्चन है, इसमें 3 से 4 चीज सीखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, अब जानते हैं ओवरऑल डेप्थ और इफेक्टिव कवर की हेल्प से, इफेक्टिव डेप्थ कैसे निकाला जाता है, ये बताएंगे। रेनफोर्समेंट बीम है, ये क्या है, सिंगली रेनफोर्समेंट बीम है। इस डायग्राम की मदद से इफेक्टिव डेप्थ के बारे में समझेंगे, ध्यान देना दोस्तों, इफेक्टिव डेप्थ मतलब क्या होता है, ठीक है, स्टील के सेंटर, ये जो दिख रहा है ना ये स्टील है, क्या है ये, स्टील, ये क्या है, स्टील। ठीक है, ये जो आपको नजर आ रहा है वो स्टील नजर आ रहा है, ठीक है, स्टील के सेंटर से लेके टॉप सरफेस तक के डिस्टेंस को बोला जाता है इफेक्टिव डेप्थ। क्या बोला जाता है, इफेक्टिव डेप्थ। स्टील के सेंटर से लेके टॉप सरफेस तक के डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, देखना। दूसरा, स्टील के सेंटर से लेके बॉटम सरफेस तक के डिस्टेंस को इफेक्टिव कवर बोला जाता है। ठीक है, फिर से समझना, स्टील के सेंटर से लेके टॉप सरफेस तक के जो डिस्टेंस है इसको इफेक्टिव डेप्थ बोलेंगे, स्टील के सेंटर से लेके बॉटम सरफेस तक के जो डिस्टेंस है उसको इफेक्टिव कवर बोलेंगे। और इफेक्टिव कवर की वैल्यू हमको दी है क्या क्वेश्चन में, अरे दी है क्या, 50 mm दिया है ना, 50 mm दिया है ना, चलिए ठीक है। ओवरऑल डेप्थ किसको बोलेंगे, टॉप सरफेस से लेके बॉटम सरफेस तक के जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोल देंगे, ओवरऑल डेप्थ बोलेंगे। और दोस्तों ओवरऑल डेप्थ का वैल्यू पता है क्या, कितना है, 550 mm। देखो ये 550 mm है, इसको mm लिख देते हैं, ठीक है, 550 mm, ठीक है, ये 550 mm है टोटल, 550 mm है ये टोटल, ये 550 mm में से 50 माइनस करना है तो हमको क्या मिल जाएगा, डी मिलेगा क्या, अरे आपके पास 550 रुपए या 50 रुपए खर्च किए तो कितने बचे, 500 बचे ना, ऐसा समझो ना यार। देखो आपके पास 550 रुपए है, 50 रुपए खर्चे किए तो बचे कितने, 500, वैसे ही तो समझना है इसको, ये कितना है 550, ये कितना है 550 और ये कितना है 50, 550 में से 50 माइनस कर दो तो 500 मिल जाएगा, यही तो किया था, 550 में से माइनस कर दो 50 तो 500 मिल जाएगा। अरे समझ आया तो लाइक करना मेरे वीडियो को, अगर समझ आया होगा तो सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल को, समझ आया,
ये था सिनेरियो इफेक्टिव डेप्थ निकालने का, ये था सिनेरियो इफेक्टिव डेप्थ निकालने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं। कैलकुलेट स्टेप वन, कैलकुलेट स्टेप वन, कैलकुलेट कैलकुलेट एक्चुअल स्टेप वन, कैलकुलेट एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। स्टेप वन कैलकुलेट एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। पहले स्टेप में क्या निकालेंगे, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे। XU का फॉर्मूला आप सभी को याद हो जाना चाहिए अभी तक के, क्या था 0.87 FY AST AST डिवाइड बाय 0.36 FCK BD 0.87। अरे FY की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 415 है ना। AST की वैल्यू कितनी निकाले है, AST की वैल्यू कितनी निकाले है, 1256.63 डिवाइड बाय 0.36। FCK की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 20। B की वैल्यू कितनी है, 230। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 273.97 mm। तो हमारा XU का वैल्यू कितना हो जाएगा, 273.97 mm। ये हमारा हो जाएगा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का आंसर। समझ आया दोस्तों, यहां तक के आप सभी को समझ आ गया होगा। कैलकुलेट स्टेप टू, कैलकुलेट लिमिटिंग कैलकुलेट लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। कैलकुलेट लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तीन फॉर्मूले बताए थे दोस्तों आप सभी को, कितने फॉर्मूले बताए थे, तीन फॉर्मूले। उस तीन में से एक फॉर्मूला यूज होगा, कैसे पता चलेगा, हमारे क्वेश्चन में क्या है, Fe415 के लिए XU लिमिटिंग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 0.48 D। डी बोले तो स्मॉल डी है, नॉट कैपिटल डी, ठीक है। देखिए स्मॉल डी हमने कितना निकाले है, 500। स्मॉल डी हमने क्या निकाले है, 500। तो यहां पे लिख देंगे 0.8 × 500। जब इसको सॉल्व करेंगे ना दोस्तों, तो आंसर आएगा 240 mm। क्या आएगा दोस्तों, 240 mm। तो हमारा XU लिमिटिंग का आंसर हो जाएगा, XU लिमिटिंग का आंसर हो जाएगा 240 mm। ये हो गया लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ये क्या हो जाएगा, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ध्यान देना, बच्चे कंफ्यूज क्या करते हैं इसमें, ठीक है। फ्लो फ्लो में वो कैपिटल डी पुट कर लेते हैं। फ्लो फ्लो में क्या कर लेते हैं, किसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, कैपिटल डी की वैल्यू पुट कर देते हैं। और कैपिटल डी की वैल्यू 550 है। अरे तुम कैपिटल डी पुट कर दोगे तो आंसर गलत आएगा बेटा, समझ आ रही है मेरी बात। ये कैपिटल डी है, हमको यहाँ पे स्मॉल डी पुट करना है। स्मॉल डी मैंने कैलकुलेट करके बताया ना कैसे 500 आया था, ये पुट करना है। गलती तुम लोग कर देते हो यहाँ पे, मुझे पता है, मैं फैकल्टी हूं एक कॉलेज में, 3 साल का एक्सपीरियंस है मुझे पता है कि एक बच्चा कहां पे फंस सकता है, ये मुझे अनुभव होता है। तो मैं तुमको पहले से ही बता देता हूं कि ये स्मॉल डी है, इसीलिए 500 पुट करना है। अगर गलती से 550 पुट कर दिए तो आंसर गलत आ जाएगा, समझ आया ये बात। अब क्या करेंगे दोस्तों, दोनों को कंपैरिजन करेंगे। ध्यान देना, इनमें से जो छोटी वाली वैल्यू होगी
मैंने क्या ट्रिक बताया था, जो छोटी वाली वैल्यू होगी ना उसको एक पॉइंट देना, इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है 250, तो 250 को एक पॉइंट दे दिए। XU बड़ा है क्या, XU बड़ा है तो 2 पॉइंट दे देंगे और दोनों को क्या कर देंगे, आपस में कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये पैटर्न देखना है एनालिसिस के स्टेप में क्या बन रहा है। आप देखोगे तो ये ओवर रेनफोर्समेंट है बेटा, ये क्या है, ओवर रेनफोर्समेंट है। पिछले 6 क्वेश्चन में अंडर रेनफोर्समेंट, अंडर रेनफोर्समेंट, अंडर रेनफोर्समेंट था, ये एक मात्रा क्वेश्चन हमें मिला है जिसमें ओवर रेनफोर्समेंट है। कौन सा रेनफोर्समेंट है, ओवर रेनफोर्समेंट बीम है। यहां तक के समझ आया क्या, कंपैरिजन कैसे करते हैं, जो छोटी वैल्यू रहती है ना वैल्यू उसको एक पॉइंट देते हैं, बड़ी वैल्यू वैल्यू को 2 पॉइंट देते हैं और दोनों को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। और ये पैटर्न एनालिसिस के स्टेप में देखना ओवर रेनफोर्समेंट बन रहा है या अंडर रेनफोर्समेंट बन रहा है, बट ये वाले क्वेश्चन में ओवर रेनफोर्समेंट बीम बना। समझ आया दोस्तों यहां तक के समझ आया क्या। स्टेप 3, कैलकुलेट स्टेप 3, कैलकुलेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। स्टेप 3 कैलकुलेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑन बीम। ठीक है, फॉर्मूला क्या है दोस्तों, एट एमयू का फॉर्मूला 0.87 FY AST इनटू D माइनस 0.4 टू XU। ये फॉर्मूला आएगा क्या, अरे ये फॉर्मूला आएगा क्या, तुमसे मैं पूछ रहा हूं, ये फॉर्मूला आएगा क्या, ध्यान से मेरी बात सुनना। गलती क्या होती है, मैं जानबूझ के लिखा हूं ये फॉर्मूला, गलत नहीं लिखा हूं, मुझे कुछ समझाना है इसलिए लिखा हूं। देखो ये वाला तो फॉर्मूला बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं सर, क्यों नहीं यूज कर सकते, अरे तुमने एनालिसिस के स्टेप लिखे हो ना, तीसरा स्टेप में देखना, जब अंडर रेनफोर्समेंट बीम होता है ना, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ता है जो ब्लैक बोर्ड में हमने लिख के दिए है। जब अंडर रेनफोर्समेंट बीम होता है ना दोस्तों, अंडर रेनफोर्समेंट बीम, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। बट हमारे क्वेश्चन में जो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ये ओवर रेनफोर्समेंट वाला प्रॉब्लम है। कौन सा प्रॉब्लम है, ओवर रेनफोर्समेंट वाला प्रॉब्लम, तो एमयू के फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। तुम लोग फ्लो में क्या रखते हैं, 6 क्वेश्चन, पिछले 6 क्वेश्चन अंडर रेनफोर्समेंट के हैं, एमयू इक्वल्स टू 0.87 FYASD डी इंटू डी माइनस 0.42 XU। फ्लो में लिख देते हैं, बट फ्लो नहीं करना है, ये अंडर रेनफोर्समेंट वाला प्रॉब्लम है, तो एमयू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एमयू का फॉर्मूला कौन सा रहेगा फिर, एमयू का फॉर्मूला 0.36 FCK, 0.36 FCK, XU limiting B इंटू डी माइनस 0.42 XU limiting। ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, 0.36 FCK XU limiting B इंटू डी माइनस 0.42 XU limiting ब्रैकेट क्लोज। 0.36 FCK है, अरे FCK की वैल्यू कितनी है, 20, तो 20 लिख लिए। अरे हमने अभी निकाले क्या है, लिमिट XU लिमिटिंग कितना है, 240। अरे B की वैल्यू कितनी है, 230। स्मॉल D की वैल्यू कितनी है, स्मॉल D की वैल्यू 500, तो 500 माइनस 0.42 XU लिमिटिंग कितना निकाले, 240।
जब इसको सॉल्व करोगे ना दोस्तों, जब इसको सॉल्व करोगे ना तो आंसर आएगा 158.65 × 10^6 न्यूटन एमएम, न्यूटन एमएम। इसको कन्वर्ट किसमें कर लेंगे, किलो न्यूटन मीटर में, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 158.65 किलो न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन मीटर। आई होप दोस्तों ये आपको समझ आ गया होगा कैसे किए है प्रॉब्लम को, ठीक है, कैसे किए है प्रॉब्लम को। देखो न्यूटन एमएम था, इसको की कन्वर्ट किए किसमें, किलो न्यूटन मीटर में। क्या करना है, 10^6 को हटा दो, 10^6 को हटा दो, तो कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, किलो न्यूटन मीटर में। यहां तक के समझ आया दोस्तों, यहां तक के तो इजी था। एक और स्टेप है इसके बाद, एक और स्टेप है, स्टेप नंबर 4, उसमें नया है, वो हमारे लिए नया है, ठीक है, वो तो और अच्छे से समझना है। फोर कैलकुलेट, स्टेप 4 कैलकुलेट, स्टेप 4 कैलकुलेट सेंट्रल, सेंट्रल कैलकुलेट सेंट्रल पॉइंट लोड, सेंट्रल पॉइंट लोड ऑन बीम, ऑन बीम। स्टेप 4, स्टेप 4 क्या है, कैलकुलेट सेंट्रल पॉइंट लोड ऑन बीम। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, mu इक्वल्स टू wu इंटू एल डिवाइड बाय 4, ठीक है। mu का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, wu इंटू एल डिवाइड बाय 4, यही तो निकालना है, wu ही तो निकालना है, ठीक है, wu ही निकालना है। सर ये फॉर्मूला ही क्यों यूज हुआ, दूसरा फॉर्मूला क्यों यूज नहीं हुआ, ध्यान देना इस चीज को मुझे समझाना पड़ेगा आप सभी को। हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सिंपली सपोर्टेड बीम, क्या बोला गया है, सिंपली सपोर्टेड बीम। तो हमने सिंपली सपोर्टेड बीम बना लिए, सिंपली सपोर्टेड बीम बना लिए। हमारे प्रॉब्लम में क्या बोला गया था, सिंपली सपोर्टेड बीम। उस सिंपली सपोर्टेड बीम में बोला गया है पॉइंट लोड है, क्या है, पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड। इस सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या है, पॉइंट लोड है। अरे जब एक सिंपली सपोर्टेड बीम होना, एक सिंपली सपोर्टेड बीम होना, उसके ऊपर अगर पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है ना, उसके ऊपर पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है ना, तो mu का फॉर्मूला हो जाता है wu into l डिवाइड बाय 4, wu l डिवाइड बाय 4। ये फॉर्मूला है दोस्तों, मॉस में पढ़ाया जाता है, ये मॉस में पढ़ाया जाता है। अभी हमें उस साइड डाइवर्ट नहीं होना है, मैं डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं और उसके कंडीशन बता देता हूं, ठीक है। चलिए ध्यान देना, mu हमने निकाले थे क्या, mu कितना निकाले थे, 158.65, अरे निकाले थे। wu निकालना है, wu निकालना है, l, l कितना दिया, 5 मीटर, l दिया गया 5 मीटर। सॉल्व करेंगे ना दोस्तों तो wu का आंसर आएगा, wu का आंसर आएगा 126.92 किलो न्यूटन, किलो न्यूटन, ठीक है। तो wu का आंसर आया 126.92 किलो न्यूटन। यहां तक के समझ आया क्या दोस्तों, यहां तक के समझ आया क्या, ठीक है। एक फॉर्मूला लगाना है, ये फॉर्मूला मुझे तब पता चला जब एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसके ऊपर पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, क्या एक्ट कर रहा है, पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, इसीलिए ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ। ये फॉर्मूले की मदद से wu निकाल लिए, इस फॉर्मूले की मदद से wu निकाल लिए, ठीक है। अब मेरे को एक चीज इसमें और समझाना है आप सभी को, ठीक है सर, wu की यूनिट किलो न्यूटन ही क्यों आई, वाई, और आया तो आया कैसे सर, मुझे समझ नहीं रहा है, किलो न्यूटन ही क्यों आया, बात सही है ना, अरे बात सही है ना, मैं क्या बोल रहा हूं, wu की यूनिट किलो न्यूटन ही क्यों आया, क्या आया, किलो न्यूटन ही क्यों आया, देखना देखना किलो न्यूटन ही क्यों आया। mu, mu का यूनिट क्या है, mu का यूनिट है किलो न्यूटन
किलो न्यूटन मीटर इक्वल्स टू डब्ल्यू यू की यूनिट निकालना है, ठीक है। लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर। लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर। लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर। फोर का तो कोई यूनिट नहीं होता, फोर का यूनिट नहीं होता, फोर का कोई यूनिट नहीं होता, उसको अपन छोड़ देते हैं, ठीक है। फोर का यूनिट नहीं होता इसलिए अपन इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। यहां से मीटर और यहां से मीटर कैंसल, मीटर मीटर कैंसल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर मीटर कैंसल हो जाएगा। बचा क्या? किलो न्यूटन। अरे बचा क्या? किलो न्यूटन। यही तो लिखे थे, यही तो यूनिट लिखे थे किलो न्यूटन। समझ आया कैसे निकाला जाता है? समझ आया? अगर ये समझ आ गया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, ये टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 विंटर 19 में पूछा गया था 6 मार्क्स के लिए, विंटर 19 में पूछा गया था 6 मार्क्स के लिए। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले गिवन डाटा में क्या लिखेंगे? 230 mm वायु दिया गया है। क्या दिया गया है? 230 mm वायु दिया गया है। तो वायु ऑफ बीम 230 mm, ठीक है। 400 mm इफेक्टिव डेप्थ दिया गया है, 400 mm इफेक्टिव डेप्थ दिया गया है। तो इफेक्टिव डेप्थ ब्रैकेट में स्मॉल डी इनटू 400 mm। स्पैन दिया गया है 5.5 मीटर। स्पैन क्या दिया गया है? इट मींस लेंथ ऑफ बीम कितना हो जाएगा? लेंथ ऑफ बीम हो जाएगा 5.5 मीटर। लेंथ ऑफ बीम क्या हो जाएगा? 5.5 मीटर, ठीक है। चलिए, 4 बार ऑफ 20 mm डायमीटर, 4 बार ऑफ 20 mm डायमीटर, तो लिख लेंगे 4 बार ऑफ 20 mm डायमीटर। इसकी मदद से, इसकी मदद से एरिया ऑफ स्टील निकाल लेंगे दोस्तों। अभी मैं एरिया ऑफ स्टील नहीं बताऊंगा कैसे निकाला जाता है, मैंने अप्रोक्स 7 क्वेश्चन में बता चुका हूं एरिया ऑफ स्टील कैसे निकाला जाता है। जब इसका एरिया ऑफ स्टील निकालोगे ना तो आंसर आएगा 1265.63 mm², ठीक है। उसके बाद बोला है कैलकुलेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, कैलकुलेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो हम गिवन डाटा में लिख लेंगे मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस mu, निकालना इसीलिए क्वेश्चन मार्क, एंड एनडी एंड, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है वो वर्किंग लोड भी निकालो, ये हमारे लिए नया है। वर्किंग लोड कैसे निकाला जाता है? वीडियो तक वीडियो में बने रहो, लास्ट में हम बताएंगे, ये सबसे लास्ट स्टेप है। वीडियो को पूरा देखो, वर्किंग लोड निकालना सीख जाओगे, ठीक है। उसके बाद M20 दिया गया है, इट मींस FCK की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। Fe415 दिया गया है, इट मींस FY की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। पहला स्टेप, पहला स्टेप क्या निकालते हैं? स्टेप वन कैलकुलेट एक्चुअल डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, कैलकुलेट एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। क्या था फॉर्मूला एक्सयू का दोस्तों? एक्सयू का फॉर्मूला क्या था? 0.87 FY AST डिवाइड बाय 0.36 FCK इनटू बी। 0.87 FY की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 415 है ना, तो 415। AST की वैल्यू कितनी है? 1256.63 डिवाइड बाय 0.36। FCK की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 20 है ना, 20। B की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 230। जब इसको सॉल्व करोगे ना तो आंसर आएगा 273.97 mm। तो XU की वैल्यू हो जाएगी
एक्स टू की वैल्यू हो जाएगी 273.97 mm. ये हमारा हो जाएगा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ये हो जाएगा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ये क्या हो जाएगा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। स्टेप टू में क्या करना है, कैलकुलेट लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। क्या कैलकुलेट करना है, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। दोस्तों कितने फॉर्मूले बताए थे, तीन फॉर्मूले बताए थे, तीनों फॉर्मूले से कितने कोई भी एक फॉर्मूला यूज होगा। कैसे पता चलेगा, Fe 415 के लिए XU लिमिटिंग की वैल्यू कितनी, फॉर्मूला क्या होता है XU लिमिटिंग का, 0.48D की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 400, D की वैल्यू कितनी है 400। इसको सॉल्व करेंगे ना दोस्तों तो आंसर आएगा 192 mm, क्या आएगा 192 mm। तो XU लिमिटिंग की वैल्यू कितना आ जाएगा 192, ये हो जाएगा लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का वैल्यू 192 mm। अब दोनों को कंपैरिजन करेंगे क्या दोस्तों, दोनों को कंपैरिजन करेंगे क्या। ट्रिक बताया था मैंने कैसे समझना है, कौन सी छोटी वैल्यू है XU लिमिटिंग, छोटी वैल्यू है क्या, इसके तरफ एक पॉइंट दे देंगे, ठीक है, इसके तरफ एक पॉइंट दे देंगे। XU सबसे बड़ा है क्या, तो इसके तरफ दो पॉइंट दे देंगे, इसके तरफ दो पॉइंट दे देंगे। अब दोनों को जोड़ देंगे, अब दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। बताइए ये एनालिसिस के स्टेप में देख के बताइए, ये ओवर रेनफोर्समेंट बनेगा या अंडर रेनफोर्समेंट बनेगा। दोस्तों ये ओवर रेनफोर्समेंट बन रहा है, क्या ऐसा क्या बन रहा है, ओवर रेनफोर्समेंट। तो लिखेंगे कैसे, हेंस द सेक्शन इज ओवर रेनफोर्स्ड बीम, हेंस द सेक्शन इज ओवर रेनफोर्स्ड बीम। दोस्तों यहां तक के समझ आया क्या, कौन सा बन रहा है, ओवर रेनफोर्समेंट बन रहा है। ओवर रेनफोर्समेंट बनता है तो एमयू का फॉर्मूला चेंज होता है ना, याद रहेगा ना स्टेप थ्री कैलकुलेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑन बीम। स्टेप थ्री कैलकुलेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑन बीम। फॉर्मूला क्या था दोस्तों, एमयू निकालने का फॉर्मूला 0.36 FCK XU लिमिटिंग बी इंटू डी माइनस 0.42 XU लिमिटिंग ब्रैकेट क्लोज 0.36। अरे FCK की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 20 है क्या। XU लिमिटिंग कितना निकाले थे, 192 निकाले थे क्या, 192 mm XU लिमिटिंग निकाले थे। B कितना है 230, D कितना है 400 माइनस 0.42 XU लिमिटिंग 192 निकाले थे क्या, 192 निकाले थे क्या, 192 निकाले थे क्या। जब इसको सॉल्व करोगे ना दोस्तों तो आंसर आएगा 101.54 इंटू 10^6 न्यूटन एमएम। किलो न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी एमयू का, 101.52 किलो न्यूटन मीटर। ये हमारा हो जाएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू, ये हमारा हो जाएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू। न्यूटन एमएम में है
न्यूटन एमएम में है, कन्वर्ट किस में किए, किलो न्यूटन मीटर में, 10 रेस टू पावर 6 को हटा दो, 10 रेस टू पावर 6 को हटा दो तो किस में कन्वर्ट हो जाए, किलो न्यूटन मीटर में, तो mu की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 101.54 किलो न्यूटन मीटर। आई होप दोस्तों ये समझ आ गया होगा, और हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था mu निकालने के लिए, mu निकालिए। अब वर्किंग लोड कैसे निकालते हैं ये बताएंगे, ठीक है, वर्किंग लोड कैसे निकालते हैं ये बता, कैलकुलेट यूडीएल ऑन बीम, क्या कैलकुलेट करना है दोस्तों, यूडीएल, ठीक है, कैलकुलेट यूडीएल। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, एमयू का फॉर्मूला डब्ल्यू यू एल स्क्वायर बाय 8, ठीक है, एल स्क्वायर बाय 8। इसके पहले जो फॉर्मूला यूज कर रहे थे वो क्या किए थे, mu w u इंटू एल डिवाइडेड बाय 4, बट कंडीशन क्या था, सिंपली सपोर्टेड था और उसके ऊपर क्या था, पॉइंट लोड था, इसीलिए mu का फॉर्मूला ये वाला यूज होगा। बट ये वाले न्यूमरिकल में देखिए कहीं पे भी सिंपली सपोर्टेड लिखा है क्या, सिंपली सपोर्टेड बीम लिखा है क्या कहीं पे, अरे सर जी लिखा ही नहीं है सिंपली सपोर्टेड बीम, तो करेंगे क्या, अरे जब कुछ भी कंडीशन नहीं दिया हो तो आपको सिंपली सपोर्टेड बीम मानना है, क्या मानना है, सिंपली सपोर्टेड बीम ही मानना है। क्या बोला मैंने, अगर न्यूमरिकल में कोई भी बीम ना दिया हो तो आपको अज्यूम क्या पढ़ना पड़ेगा, सिंपली सपोर्टेड बीम अज्यूम करना पड़ेगा, साथ में इसके ऊपर यूडीएल रहेगा, साथ में इसके ऊपर क्या रहेगा, यूडीएल रहेगा, यही हमें अज्यूम करना पड़ेगा, दूसरा अज्यूम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्यों सर ऐसा, अरे कैसा है, बड़े लोगों ने क्या कह के गए है, अगर बीम में कुछ नहीं दिया हो ना, बीम में कुछ नहीं दिया है ना, तो यही यूज कर लो, ऐसे रेफरेंस बुक में लिखा है इसलिए यूज कर रहे हैं, इसलिए हम भी अपने बच्चे को बताते हैं, समझ आया, ठीक है। अगर सिंपली सपोर्टेड विथ यूडीएल रहा ना तो एमयू का फॉर्मूला अलग हो जाता है, सिंपली सपोर्टेड विथ पॉइंट लोड होता है ना तो एमयू का फॉर्मूला अलग हो जाता है, हम ये वाला कंडीशन मान रहे हैं, ठीक है, ये वाला कंडीशन मान रहे थे, ठीक है। एमयू का आंसर कितना आया था, 101.58, यही आया था क्या, नहीं सॉरी 54 था। डब्ल्यू निकालेंगे, एल दिया है क्या क्वेश्चन में, एल दिया गया है 5.5 स्क्वायर डिवाइड बाय 8, यहां से W निकल जाएगा, यहां से क्या निकलेगा, W निकलेगा और निकलेगा 26.85 किलो न्यूटन, क्या आया W, 26.85। स्टेप 5 क्या करेंगे, कैलकुलेट वर्किंग लोड ऑन बीम। कैसे करेंगे देखना दोस्तों, सॉल्व कैसे करते हैं, आपको वर्किंग लोड चाहिए ना, क्या चाहिए, वर्किंग लोड चाहिए ना, तो आप क्या करना पड़ेगा, W को डिवाइड करना पड़ेगा 1.5 से, W क्या है, 26.85 डिवाइड बाय 1.5, तो सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 17.9 किलो न्यूटन, ठीक है, तो यहां से W की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17.9 किलो न्यूटन,
यहां तक के समझ आया क्या दोस्तों, यहां तक के समझ आया क्या? बस इस पांचवे स्टेप में याद रखना है आपको, यहां पे WU को डिवाइड करना पड़ता है 1.5 से। ये चीज याद रख लो दोस्तों, ये चीज याद रख लो। अगर ये कर लोगे तो हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, अगर ये कर लोगे तो हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। देखिए मैं अभी तक के DSR पढ़ाता हूँ, अपने कॉलेज में भी पढ़ाता हूँ, YouTube पे भी पढ़ाता हूँ, बट मेरे माइंड में एक एक न्यूमेरिकल याद है, एक एक न्यूमेरिकल। आप मुझे DSR का कोई भी न्यूमेरिकल दोगे ना, मैं कर लूंगा। इतनी प्रैक्टिस आपको भी करनी पड़ेगी, इतनी प्रैक्टिस आपको भी करनी पड़ेगी कि DSR में से भी एक भी क्वेश्चन आ जाए, एक भी क्वेश्चन, तो एक भी क्वेश्चन छूटे ना हमसे, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। समझ आ रहा है दोस्तों? सिर्फ मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, सिर्फ यहाँ पे मोबाइल के नीचे में आंसर लिखा हुआ रहता है मेरे पास, आंसर लिखा हुआ, ताकि हम जब कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं तो टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं क्या कर लेता हूँ, एक पेज में आंसर लिख लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप अपने दोस्तों में हमारा वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके और ज्यादा लोगों का फायदा हो सके।